Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed metal and non-metal and also its physical and chemical properties. And today our lecture will be on various sources of energy. So here first is the conventional source of energy and second is the conventional non-conventional source of energy. So देखिए conventional source of energy में आपके पास यहाँ पे क्या जाता है biomass और विंड एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके पास है यहाँ पे सोलर एनर्जी और टाइड एनर्जी, ये आपके सिलेबस में गिवन है. तो यहाँ पे देखिए वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है गाइज, ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते. अगर वन टाइम हम उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो उससे हम जो है दोबारा एनर्जी जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे बायोमास है, ठीक है, और विंड एनर्जी है. अगर ये एक वन टाइम अगर कंज्यूम हो जाती है हमारे पास, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, इसको हम दोबारा से यूज़ में नहीं ला सकते हैं. और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी भी जो है ख़त्म नहीं हो सकती है. जैसे आपके पास सोलर एनर्जी है, ठीक है, अब सनलाइट से जो आप एनर्जी लेते हो या सनलाइट से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं. अब देखिए सनलाइट जो होगी वो आपके पास एग्जॉस्टेबल नहीं है, उसको आप कंटिन्यूसली जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना आप यूज़ उसे कर सकते हो. टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी जो आप ओशंस में जो आपके पास लहरें आती हैं उनसे जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो भी आपके पास क्या है गाइस, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी आपके पास एग्जॉस्ट नहीं होती है. तो वहाँ पे जो हम पावर प्लांट्स वगैरह लाते हैं और वहाँ से जो टाइडल एनर्जी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम उसको बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनर्जी जो है ये हमारे पास एक मेजर पार्ट होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. यानी कि जैसे कोई भी हमारे पास एनर्जी है, सोलर एनर्जी हो या बायो एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, तो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे हमारे पास क्या रहता है, हम कोई फैक्ट्री में कोई भी आप फैक्ट्री आप प्रिपेयर करते हो, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास लगती है वो भी हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. या जैसे हम थर्मल एनर्जी का हम अपनी फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और भी जितनी काइंड ऑफ एनर्जी हैं या जितने भी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं अपने किसी बिजनेस में, वो हमारे एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो इनके बिटवीन देखिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन होता है, एग्जिस्ट करता है किसके बिटवीन में, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. यानी कि जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो इनके बिटवीन अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एनर्जी कंजम्पशन में. अब यहाँ पे हम देखें सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो नॉन कन्वेंशनल आपके पास आ जाता है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नॉन कन्वेंशनल आपके पास आ जाता है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है. ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, नॉन कन्वेंशनल मीन आप रिन्यूएबल और कन्वेंशनल मीन नॉन रिन्यूएबल, तो इनका अपोजिट कर लेना, नॉन का जिसके साथ नॉन नहीं लगा हुआ है. अब देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल से ही हम समझ सकते हैं कि इन एनर्जी को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो दोबारा से भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं. जैसे बायो एनर्जी है आपके पास, सोलर एनर्जी का जो मैंने आगे अभी एग्जांपल दिया, विंड आपके पास जो चलती हैं वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक बार अगर एनर्जी आप यूज़ कर लोगे तो दोबारा से भी विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपकी विंड्स जो होंगी वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी. तो विंड्स आपकी जो है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो विंड्स आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी जब तक लाइफ एग्जिस्ट है. टाइडल एनर्जी सेम है, और जो अर्बन वेस्ट से जो भी आपका वेस्ट से जो भी एनर्जी आप क्रिएट करते हो तो वो भी आपके पास कौन सी आ जाती है गाइस, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आर वी कैन से दैट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में. ठीक है, अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाता है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. अब देखिए कमर्शियल का मतलब क्या आ जाता है, जिसको हम ट्रेड के पर्पज़ से हम देखते हैं. ठीक है, नॉन कमर्शियल आ जाता है जो हम अपने हाउस होल्ड के पर्पज़ से देखते हैं. अब देखिए जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जनरली हम अपने ट्रेड या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन एनर्जी को यूज़ करते हैं. और नॉन कमर्शियल जैसे हम अपने हाउस होल्ड के पर्पज़ से इन एनर्जीज़ को हम यूज़ करते हैं. जैसे फायरवुड आपके पास आ जाता है, स्ट्रॉ आ जाता है, और ड्राइड डंग आपके पास आ जाता है, जो गोबर आपके पास होता है उसको सुखाते हो और उस एनर्जी को आप एज अ फायर यूज़ करते हो अपने कुकिंग में. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइस.
बोलता है व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होती हैं, तो मैंने अभी बताया ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं और ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अलावा। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या है गाइज, ये भी हमारे पास एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट इनके अलावा जितनी भी हमारे पास दूसरी एनर्जीज हैं वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपके पास जो है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी आ सकती है, बट इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही लिखते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में। अभी हमने देखा तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखा कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आपके पास कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है, और कंज्यूमर जो होते हैं इनको खरीदने के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए द मेजर सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन आर मैंशनड बिलो। तो पावर जनरेशन के हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर जैसे हमारे पास क्या होता है ये कैसे जनरेट होती है, जैसे हमारे पास जो यूरेनियम है तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हम देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो फिशन कब होता है, जब उनका न्यूक्लियस आपस में हम क्या कर देते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, और फिशन क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस को बिल्कुल तोड़ देते हैं इंटू टू इक्वल पार्ट्स, तो उस वक्त जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पावर जो जनरेशन है वो कौन सी है, न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद हमारे पास थर्मल पावर आ जाती है जो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हम पानी की या वाटर की हेल्प से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कहते हैं। अब नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं गाइस, तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, तो ये इन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे कंसीडर नॉन कमर्शियल, इनको हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल होती हैं हमारे पास। और अगर इनके हम एग्जांपल देखें तो देखिए फायरवुड भी हमारे पास ईजिली जो अवेलेबल है, और ड्राई डंग जो हमारे पास गोबर होता है वो भी ईजिली हमारे पास अवेलेबल होता है, स्ट्रॉ जो हमारे पास होता है वो भी ईजिली अवेलेबल प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो इनके एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है गाइस, जैसे सोलर एनर्जी अभी हमने देखा, बायो एनर्जी है, एनर्जी है और विंड एनर्जी है। तो ये सारे हमारे पास कौन से जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ये एनर्जीज होती हैं, ये रिन्यूएबल होती हैं, यानी कि इनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।